आज हम रिबन के इन्हीं छोटे छोटे पीसीस का यूज़ करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइटम बना के तैयार करेंगे, जिसकी डिमांड 14 अगस्त पर बहुत ज़्यादा होगी। और आप लोग भी बहुत ही आसानी के साथ ऐसी बहुत सारी आइटम्स बना के तैयार कर सकते हैं और 14 अगस्त पर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज की ज़बरदस्ती वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ग्रीन रिबन है, इसको हम मेयर करते हुए 8 सेंटीमीटर तक कट कर लेंगे और 8 सेंटीमीटर के हम 4 पीस कट करेंगे। यहाँ पे मैंने सेम मेजरमेंट के 4 पीसेस ग्रीन और 4 पीसेस वाइट रिबन के कट कर लिए हैं। उसके बाद एक पीस हमने ग्रीन रिबन का 10 सेंटीमीटर तक कट कर लेना है और एक पीस ही हमने सेम मेजरमेंट के साथ वाइट रिबन का कट कर लेना है। दो पीसेस हमने 10 सेंटीमीटर के कट किए थे, उनको हम कुछ इस तरह से शेप देंगे और इनको हम गर्म करते हुए सेट कर लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी सारे पीसेस को भी गर्म करते हुए इनकी साइडों को सेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम व्हाइट रिबन के पीस को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ग्रीन रिबन के पीस को इस तरह से साथ ही रखते हुए सेट कर लेंगे और सुई धागे की मदद से इन दोनों पीसेस को हम अटैच कर देंगे। और इसी तरह से ग्रीन रिबन के पीस को फोल्ड करते हुए इसके साथ हम व्हाइट रिबन के पीस को सेट करके सुई धागे की मदद से इन दोनों पीसेस को भी अटैच कर देंगे। इसके बाद बाकी जितने भी पीसेस हमारे पास बचे हैं, वन बाय वन हम सारे पीसेस को इनके साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखिए सारे पीसेस को कुछ इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत ही आसानी के साथ इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना के तैयार करने वाले हैं। अब हम दोनों साइडों से धागे को इस तरह से हल्के हाथ से खींचते जाएंगे और लास्ट पे घिरा लगाते हुए इसको हम सेट कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे और हाथों की मदद से इसको सेट करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। के बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन रिबन का एक छोटा सा पीस लिया है और उसी को हम यूज करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा मिनी सा फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। इस मिनी से फ्लावर को इस बड़े फ्लावर के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक मोती है, उसको भी हम कुछ इस तरह से सेट कर देंगे सुई धागे की मदद से। और लास्ट स्टेप में कुछ इस तरह की हम पिन लेंगे और इस तरह की पिन अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती हैं और इसको हम UHU अप्लाई करते हुए इसी फ्लावर के ऊपर सेट कर देंगे। और इस तरह से हमने बहुत ही आसानी के साथ एक खूबसूरत सी पिन बना के तैयार कर ली है
और यकीन करें ऐसी चीजों की डिमांड 14th अगस्त पर बहुत ज्यादा होती है। लोग भी घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ ऐसी कई पिंस बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी किसी भी करीबी मार्केट में इनको सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।